दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। और इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां सर्किट हाउस रेप कांड में बाबा को भगाने में मदद करने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस की जांच में युवती की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाबा को भागने में मदद करने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपी सीताराम को घटना के बाद फरार होने में उस युवती ने बाबा की मदद की थी। घटना के बाद आरोपी बाबा भीतरी गाँव में अपने दूसरे आरोपी मोनू मिश्रा के घर में छिपा हुआ था। वहीं जब उसका लोकेशन ट्रेस कर भीतरी गांव पुलिस पहुंची तो बाबा वहां से भाग निकला था। वहां से निकलने में बाबा की मदद युवती के द्वारा की गई थी। आरोपी ने बाबा को मोबाइल उपलब्ध कराया और तौसीफ खान को बाबा के पास मोबाइल लेकर भेजा था। युवती ने किसी दूसरे से तौहीद के मोबाइल के में पैसे डलवाए थे, जो उसने बाबा को दिए थे। वही आरोपी बाबा को भीतरी गांव से सीधी तक अपनी गाड़ी से लेकर पहुंचा था, जहां से उसे सिंगरौली वाली बस में बिठा दिया था। पुलिस ने बाबा को सिंगरौली जिले से गिरफ्तार कर लिया था। वही जांच में युवती की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस ने पूछताछ करने के बाद युवती को न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से जेल भेज दिया गया है। इस घटना की पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं पुलिस के सामने अभी भी कुछ अन्य संदेही हैं, जिनकी भूमिका पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि समदड़िया बिल्डर के द्वारा आयोजित किए गए कथा पाठ में शामिल होने बाबा सीताराम पहुंचा था, जो शातिर बदमाश विनोद पांडे के द्वारा बुक किए गए सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में सतना निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।